सो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। Okay, now we have only multiplexer and demultiplexer, the data transmission circuits for combination circuit analysis or combination circuit design, and then we will shift towards sequential circuits design. Jaisa ki humne course ke shuru mein bhi ye baat ki thi ki hum midterm tak combination circuits design ke upar jo hai wo kaam karenge, aur midterm ke baad ka jo hamara syllabus hai wo sequential circuit design ka. So this is the last topic from the combination circuits. Firstly, we have multiplexer. Multiplexer ek aisi device hoti hai. Multiplexer ek aisi device hai that selects data line from two or more lines and routes data from the selected line to the input. And yahan pe jaisa ki mujhe is diagram mein agar main gaur se dekhu, mujhe ye pehle simple diagram pe aa jate hain. Mere paas do input lines maujood hain. Ab in dono ke upar koi bhi data ho sakta hai. Data remember hamare paas jo hai wo binary data hi hoga, wo boolean data hoga. To या तो इस लाइन का डेटा आउटपुट पे आ जाएगा या फिर इस लाइन का डेटा आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, और किस लाइन का डेटा आउटपुट के ऊपर आएगा ये डिपेंड करेगा मेरे पास जो सिलेक्शन एड्रेस यहाँ पे मौजूद है। सो और ये सिलेक्शन सिर्फ एक ही बिट है तो इसकी वैल्यू भी अगेन जीरो या वन हो सकती है। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है तो आई कैन से कि मेरे पास जो है ये पहली वाली का डेटा जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला इनपुट जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन इनपुट के ऊपर वन आता है तो देन मेरे पास जो है वो ये वाला डेटा जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा। तो दो इनपुट लाइन्स हैं, सिंपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर, इन शॉर्ट हम इसको MUX MUX लिख रहे होते हैं, विच इज शॉर्ट फॉर मल्टीप्लेक्सर। और नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे सिंपली ये दो डेटा लाइन में से कोई एक को जो आउटपुट पर राउट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि मुझे नजर आ रहा है मेरे पास जो है वो 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। रिमेम्बर मल्टीप्लेक्सर के अंदर आउटपुट एक ही होगा और मल्टीपल इनपुट्स मौजूद हो सकते हैं। सो यहाँ पे चूंकि चार इनपुट है और इन चार इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास जो है वो दो सिलेक्शन लाइन्स मौजूद है, ये दो सिलेक्शन लाइंस मौजूद हैं, और ये दो सिलेक्शन लाइंस मुझे क्या बता रही हैं कि मुझे 0, 1, 2, 3 जो इनपुट्स हैं इनमें से कौन सी सिलेक्ट होगी। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है वो अगर सिलेक्शन लाइन के ऊपर 0, 0 एड्रेस होता है, या डेटा सिलेक्शन एड्रेस हम इसको कहते हैं, अगर एड्रेस 0, 0 है तो D0 आउटपुट के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी, अगर 0, 1 है तो मेरे पास जो है वो D1 कनेक्ट हो जाएगी, अगर 1, 0 है तो D2 कनेक्ट हो जाएगी, और अगर 1, 1 है तो मेरे पास D3 कनेक्ट होगा। यानी जिसका एड्रेस होगा 0, 0 इज एक्चुअली 0 और 0, 1 इज 1 और 0, 1, 0 इज 2 एंड 1, 1 इज 3। तो जिसका भी यहाँ पे एड्रेस होगा, वो आउटपुट के ऊपर मेरे पास जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। राइट, तो मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन समझ में आ रहा है, मल्टीपल इनपुट लाइन होंगी और सिलेक्शन लाइन होगी, और जिसका एड्रेस सिलेक्शन लाइन पे होगा वो वाली लाइन आउटपुट पे राउट हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक के जैसे हमारे पास घर में जनरेटर और के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होता है, सो वी हैव अ सेलेक्टर स्विच के मेरे पास जब लाइट होती है तो मैं उस सेलेक्टर स्विच का जो है वो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक की तरफ कर देता हूँ, तो वो क्या होता है आउटपुट मेरे घर का लोड ही होता है, लेकिन इनपुट जो है वो के इलेक्ट्रिक से लेना शुरू हो जाता है। और जब मेरे पास जो है वो के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही होती और मैं जनरेटर ऑन कर लेता हूँ, तो मैं उस सेलेक्टर स्विच को जो है वो जनरेटर की तरफ
सेलेक्ट कर लेता हूँ. सो अब क्या होता है, इनपुट सोर्स बदल जाती है, आउटपुट का लोड ये कहता है. सो सिमिलरली फॉर डेटा ट्रांसमिशन वी हैव मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर ने भी यही काम करना होता है. इट हैव मल्टीपल डेटा लाइंस और उनमें से किसी एक का डेटा आउटपुट के ऊपर आ जाएगा. लेकिन जैसे हम अपने घर के सेलेक्टर स्विच को मैनुअली ऑपरेट करते हैं, यहाँ ये मैनुअली ऑपरेट नहीं होगा, बल्कि किसका डेटा आउटपुट के ऊपर आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन लाइंस, जो कि ब्लू से मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है. तो जिसका डेटा यहाँ पे, जिसका एड्रेस एक्चुअली सिलेक्शन एड्रेस मौजूद होगा, वो वाली डेटा लाइन जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाया करेगी. राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कि ये बात समझ में आ रही है कि मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन क्या है. ऑडियो में जवाब दे दे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि खाली में जो है बगैर आवाज के. यस सर, आ रही है. यस सर. ऑलराइट, सो ये बात समझ में आई कि मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन क्या है. सर, इसके अंदर जैसे मल्टीपल हमारे इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगा हमारा. बिल्कुल ऐसा ही है. और कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट के ऊपर, तो डेटा स्विच से पता चलेगा. नहीं, डेटा से नहीं पता चलेगा, जो पता चलेगा डेटा सेलेक्ट या डेटा सिलेक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है. यस सर, डेटा सिलेक्शन से. तो फॉर इंस्टेंस जैसे डेटा सिलेक्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ है S1 की वैल्यू 1 है. रिमेम्बर S1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, S0 लीस्ट है. सो 10 जैसे यहाँ पे अगर एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस सूरत में कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D0, D1, D2, D3? D2 सेलेक्ट होगी, बिकॉज 10 इज एक्चुअली 2. अगर यहाँ पे 11 लिखा होता तो कौन सी सेलेक्ट होती, D3 सेलेक्ट होती. गुड, ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. So here we have a truth table. अब हमारा काम क्या है, हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं, इस मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना चाहते हैं. कैसे हम इसका सर्किट, ये तो अभी हमने ऑपरेशन समझ लिया कि मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करता है. अब हमने एक डिवाइस क्रिएट करनी जो कि ये काम हमारे पास करा सके. सो फॉर दिस वी हैव टू डिजाइन दिस सर्किट. और डिजाइनिंग के लिए हमें कुछ सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं. सो अगर मैं ट्रुथ टेबल, अब मैं यहाँ पे गौर से देखूँ, सो ट्रुथ टेबल में अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट एड्रेसेस मेरे पास लिखे हुए हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है वो, अगर एड्रेस जो है वो 00 होता है तो कौन सी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, D0. अगर एड्रेस 01 होता है तो D1 सेलेक्ट हो जाएगी. अगर एड्रेस 10 होता है तो D2 सेलेक्ट हो जाएगी. 11 होता है तो D3 सेलेक्ट हो जाएगी. ये काम मुझे करना है. यानी 00 एड्रेस हो तो D0 पे जो भी कुछ हो वो आउटपुट पे जाए. Remember, D0 पे भी अगेन इट्स अ बाइनरी इनपुट. सो D0 पे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. तो जब सिलेक्शन एड्रेस 00 हो तो D0 के ऊपर 0 हो तो आउटपुट 0 आ जाए. D0 के ऊपर अगर उस वक्त 1 हो तो आउटपुट 1 आ जाए. ये मुझे काम करना है. सो अब इसके लिए मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखना जो है वो स्टार्ट करूंगा. सो फर्स्टली आई कैन सी के पहली एक्सप्रेशन 00, हमने अब डीकोडर डिजाइन पढ़ चुका है. 00 का डीकोडर क्या होगा, मेरे पास ये इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, S1 bar और S0 bar. ठीक है, हम ये स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशंस जो है वो शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं. S1 bar और S0 bar इसकी जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगी. और अब मुझे क्या करना है, जब ये पर्टिकुलर इनपुट हो, क्योंकि ये 00 का डीकोडर बन गया एक्चुअली, S1 bar और S0 bar जो एक्सप्रेशन है इसको इम्प्लीमेंट करना हम सबको यकीन आता होगा. एक्चुअली क्या होगा, एक एंड गेट होगा और एंड गेट के ऊपर जो है वो एक पे S1 bar आ रहा होगा. यकीनन S1 को हमने जो है वो इन्वर्ट किया होगा और S0 bar आ रहा होगा. ये इसका डिकोडर है. राइट, सो अब इस डिकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास, इसके साथ मैंने क्या किया कि इस डिकोडर के साथ D0 को भी एंड करा दिया. तो नतीजतन क्या होगा कि ये वाले इसका आउटपुट 1 सिर्फ किस सूरत में होना था, जब S1 की वैल्यू 0 हो और S0 की वैल्यू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात हो. साथ में D0 जो है वो रखने से मेरे पास क्या फायदा हुआ कि अब अगर D0 की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज इट्स एन एंड गेट, रिजल्ट 0 हो जाएगा. अगर D0 की वैल्यू 1 होती है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट्स हैं 00 के ऊपर यहाँ इन्वर्टर्स लगे हुए होंगे यकीनन S1 S0 बार करने के लिए, तो ये रिजल्ट 1 आ रहा था. तीसरे इनपुट के बगैर ये रिजल्ट 1 आ रहा था. और अब तीसरे, यानी जब ये सारी बातें नहीं थी तो इसका रिजल्ट 1 आ रहा था. अब मैंने क्या किया है कि साथ में जो है वो एक D0 भी लगा दिया. और D0 लगाने से मेरे पास क्या हुआ कि अब D0 पे जो भी वैल्यू है एक्चुअली वो आउटपुट के ऊपर आया करेगी. अगर D0 पे 0 होगा, इन दोनों की वजह से तो रिजल्ट 1 आ
था, लेकिन हमें पता है एंड ऑपरेशन के अंदर एक भी जीरो होता है तो रिजल्ट जीरो जाता है, तो लाम हुआला मेरे पास जो है वो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर डिनोट पे वन होगा तो इनकी वजह से तो पहले ही बना रहा था, रिजल्ट जो है वो मेरे पास वन आ जाएगा, राइट। तो ये पहली टर्म समझ में आती है ये ऐसा हमने क्यों किया, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। नो सर। ऑलराइट, सो दिस इज आल्सो रिटन इन द टेक्स्ट एज वेल, द डेटा इनपुट इज इक्वल टू डी नॉट इफ एस वन इज इक्वल टू जीरो, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइंड दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, similarly for the next expression we have seen, we can see this thing, if the data output is equal to s1 only d1 only if s0 is equal to 0 and s0 yani hame ye decoder banana to 0 1 ka decoder kya hoga s1 bar s0 aur uske sath maine d1 laga diya ki is particular code ke upar d1 ka data output pe chala jaye, is particular code ke upar d2 ka data, is particular code ke upar d3 ka data output pe chala jaye, so we can see ki ab hamare paas jo hai kuch ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये चारों एक्सप्रेशन मिला के 1, 2, 3 और 4 ये चारों एक्सप्रेशन मिला के अब मेरे पास जो है वो फाइनली ये एक्सप्रेशन बन चुकी है। सो इसका मतलब अगर मुझे ये 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है जिसका मैंने ये ट्रुथ टेबल बनाया था, तो इसको बनाने के लिए एक्चुअली मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये एक्सप्रेशन बड़ी सादी सी एक्सप्रेशन है, ऐसी एक्सप्रेशन हम कई दफा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इट्स सिंपली सॉप एक्सप्रेशन, और सॉप एक्सप्रेशन हमें इम्प्लीमेंट करनी आती है, उसके लिए फॉर इंस्टेंस हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ एक एंड गेट लगेगा, यहाँ एक एंड गेट लगेगा, यहाँ एक एंड गेट लगेगा, तो यहाँ एक एंड गेट लगेगा, तीन एंड गेट लगेंगे, और पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एंड हो जाएंगे, आखिर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आखिर में एक अदद हम जो है वो और गेट लगा देंगे जिसकी वजह से इन सबको जो है वो प्लस कर दिया जाएगा। Right, so we can see the circuit. कि अब circuit हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का बनने जा रहा है, हमारे पास चार एंड गेट लगे हुए थे जैसे मैंने कहा था, और आखिर में इनके रिजल्ट को और किया गया, और इन चार एंड गेट पे एक्चुअली हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन चारों एंड गेट्स के ऊपर हम एक्चुअली जो है वो ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो मैंने जो है वो पहले भी हाईलाइट की थी, हम ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। राइट, सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इस वक्त थोड़ी देर के लिए इस सर्किट को जरा गौर से देख लें और देखें क्या वाकई ये वाली एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हुई भी है कि नहीं हुई भी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए मुझे। जी कुछ क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ एक्नॉलेज करें, यहाँ तक कुछ बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। ऑलराइट, राइट, सो अब अगर आपसे यही काम एक्सटेंड करने को का, आपके पास स्क्रीनशॉट है ना बीबी? आपके पास स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर? यस सर, लेकिन स्मॉल हो गई है। स्मॉल यस सर। अब आपके पास अगर यही सर्किट जो है वो आपसे ये कहा जाए कि आपने अभी तो ये 4:1 का मक्स था, तो हमें सिलेक्शन लाइंस हमने रिमेम्बर दो रखी, अब मैं थोड़ी सी बात को एक्सटेंड करता हूँ, अगर आपसे 8:1 हमेशा आउटपुट तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर 1 ही होगा, 8:1 का मक्स बनाना हो तो सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी? जी सर, 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी, बिकॉज़ 3 बिट की मदद से हम 8 तक काउंट कर सकते हैं, 000001010 एंड 100 देन 101110 फाइनली 111, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इनमें इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5, इनपुट 6, इनपुट 7 सेलेक्ट हो जाएंगे, टोटल 8 के सेलेक्ट। राइट, अच्छा अगर मुझे 8 की जरूरत नहीं थी, लेट्स से मुझे इन 6 इनपुट्स की जरूरत थी, मेरे पास 6 इनपुट्स आ रहे थे, उनको मुझे आउटपुट के ऊपर राउट करना था, अब कितनी सिलेक्शन लाइंस होती? यस, तब भी 3 रहती, क्योंकि हमें पता है दो सिलेक्शन लाइंस की मदद से सिर्फ 4
इनपुट लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, चार से ज्यादा नहीं कर सकता। तो मुझे चार से अगर मुझे इवन पांच भी सिलेक्शन पांच इनपुट लाइन्स भी रखनी होती तब भी तीन ही होती, छह होती तब भी तीन, सात होती तब भी आठ होती तब भी तीन। हाँ अगर नौ इनपुट लाइन्स अब मैं रखना चाहता हूँ तो सिलेक्शन लाइन्स अब मेरे पास कितनी हो जाएंगी जी? चार। अब मुझे चार रखने पड़ेंगे और नौ से लेके सोलह तक जितने भी इनपुट लाइन्स हो जाए मेरे पास जो है वो चार सिलेक्शन लाइन्स से जो है वो काम बैरल हो जाएगा। ओके सर, ये स्लाइड में वेवफॉर्म थोड़ा समझा दें। जी जी, अब मैं वेवफॉर्म ही की तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं चाह रहा था मैं पीपीटी स्लाइड्स खोल लूँ तो उसमें कुछ चीजें एनिमेशंस हैं तो वो मैं एक्चुअली डाउनलोड कर रहा था। ओके, हम स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं। ओके, लार्ज स्क्रीन हो गई होगी आपके पास, उम्मीद है। काफी सारी चैट्स आई भी हैं, लेट मी रीड के क्या लोग कह रहे हैं। वजीह कह रही हैं रिपीट कर दें। ओके वजीह, क्या रिपीट करवाना चाहती हैं आप तो बता दीजिए मुझे, मैं रिपीट कर देता हूं। बेहतर है क्वेश्चंस जो है ना हम माइक पे कर लें, तो वो चैट मैं इस वक्त फौरी नहीं देख पा रहा हूं। और यस जी, क्लियर है? कितने इनपुट्स किस पर्टिकुलर सर्किट में? अच्छा, हमने ये बात की कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है, ओके, कि इसका आउटपुट तो हमेशा एक ही होता है और हमारे पास इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच होते हैं, लेकिन यूजुअली ये रेशियोज में होते हैं। जैसे मेरे पास 2:1 का मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 8:1 का, 16:1 का, 32:1 का, बिकॉज मुझे पता है दो इनपुट लाइन सेलेक्ट करने के लिए मुझे जो है वो सिर्फ एक सिलेक्शन लाइन से काम हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो एक ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी फॉर इंस्टेंस, और जब इसकी वैल्यू जो है वो वन होगी तो फॉर इंस्टेंस उस वक्त जो है वो ये वाली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। सो इनपुट लाइंस जो हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं, चार होंगी तो मैंने ये कहा था कि सिलेक्शन लाइंस फिर दो थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इनपुट लाइंस चार थी तो सिलेक्शन लाइंस दो थी। अभी हमने उसके आगे डिस्कस किया कि इनपुट लाइंस अगर चार के बजाय आठ तक होती पांच से लेके तो सिलेक्शन लाइंस मुझे तीन रखनी पड़ती, इनपुट लाइंस अगर नौ से लेके सोलह तक होती तो सिलेक्शन लाइंस मुझे फिर चार रखनी पड़ती, बिकॉज हमें पता है बाइनरी की काउंटिंग बनाने के लिए चार की मदद से मैं सोलह तक काउंट कर सकता हूँ, तीन बिट की मदद से मैं सिर्फ आठ तक, जीरो से लेकर सेवन तक टोटल आठ नंबर्स बना सकता हूँ, और सिमिलरली से कम नंबर्स भी से ज्यादा के लिए फिर मुझे और सिलेक्शन लाइंस बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे कि मैं पांच बिट की मदद से टोटल 32 तक काउंट कर सकता हूँ, तो अगर 32 इनपुट लाइन्स है मेरे पास, 32 इनपुट लाइन्स है, तो पांच सिलेक्शन लाइन से मेरे पास जो है वो काम हो जाएगा। सो हमने ये बात की थी। बिलाल ने आई थिंक कहा था कि सर अब हम उसके ऊपर अगर आ जाएं जो वेव फॉर्म्स हैं तो हम राइट हम वेव फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ओके अच्छा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी साथ साथ कर रहा हूँ। ये मैंने जूम इन किया स्क्रीन, तो आपके पास भी स्क्रीन जूम हुई है क्या? यस सर। ऑलराइट, गुड। यानी अब सिर्फ वेव फॉर्म्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं? जी सर। ऑलराइट, सो अब ये वेव फॉर्म्स मुझे क्या बता रही हैं कि ठीक है ना कि हमारे पास जो है वो ये डेटा लाइंस हैं, यानी डी नॉट के ऊपर पहले जीरो जा रहा था, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, और फिर जो है वो मेरे पास जीरो जा रहा था। सिमिलरली डी वन के ऊपर जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो एंड वन वन जीरो जीरो डी टू और डी थ्री का डेटा है, सो ऑन। और ये मेरे पास डिफरेंट सिलेक्शन एड्रेसेस आ रहे हैं फॉर डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। सो जब सिलेक्शन एड्रेस जीरो जीरो होता है तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होती है? जो मेरे पास आउटपुट आएगा इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इंस्टेंट को अगर मैं गौर से देखूं तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे मेरे पास एड्रेस क्या है? 01। 01 इज द एड्रेस फॉर D1। इसका मतलब है D1 पे जो भी कुछ होगा इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ओनली एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम चेक करेंगे, बाकी सारे इंस्टेंसेस को हमने चेक नहीं करना है इस सूरत के अंदर। सो
तो फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम हमारे पास जो है वो डी वन की जो भी वैल्यू, और डी वन मुझे इस वक्त हाई नजर आ रहा है, सो देयरफॉर मेरे पास जो है वो आउटपुट के ऊपर रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे हाई नजर आ गया मुझे. ऑलराइट, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 10, 10 इज द एड्रेस फॉर डी टू, 102 के बराबर. इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर, यानी मैंने जो है वो सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखना है, इस वाले पोर्शन के ऊपर, और भी मैंने सिर्फ किसको देखना है, डी टू को देखना है. सो आई कुड सी कि डी टू की वैल्यू जीरो है, सो दैट्स वाई मेरे पास जो है वो आउटपुट भी यहाँ पे जो है वो जीरो ही नजर आ रहा है. राइट, सो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो भी मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन था वो एक्चुअली वेव फॉर्म के फॉर्म में जो है वो ट्रांसलेट हुए. नेक्स्ट वी हैव एड्रेस ऑफ 11, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर है, और इसका मतलब है 11 जो एड्रेस होता है वो किसका एड्रेस होता है जी, D3 का एड्रेस होता है. इस वक्त D3 पे जो भी कुछ होगा, D3 पे जो कि जीरो नजर आ, इस वक्त जीरो है, देन 00 फिर से एड्रेस आ गया, 00 जो एड्रेस होता है वो D0 का होता है, और इस केस के अंदर मुझे जो है वो D01 नजर आ रहा है. सो दैट्स वाई मेरे पास जो है वो आउटपुट पे भी यहाँ पे जो है वो 1 आ चुका है. राइट, सो ये सिर्फ ऑपरेशन जो है वो एक्चुअली जो है यहाँ बड़े सीक्वेंस, 00 पहले 0 है, फिर 1 का एड्रेस है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 0 का, फिर 1 का, 2 का और 3 का, यहाँ पे सीक्वेंशियली एड्रेसेस यहाँ पे सारे लिए हुए हैं. वी कुड हैव एनी सीक्वेंस, हमारे पास जरूरी नहीं है पहले 10 एड्रेस आ जाए फिर 11 आ जाए. सो जो भी कुछ बहरा लाएगा हम उसके हिसाब से आउटपुट, यानी जो भी मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन है उसके हिसाब से आउटपुट बना देंगे. ठीक, क्वेश्चन आप कर सकते हैं. Yes, questions. All right, जी फिजा ने हाथ रेस किया. जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग जब 8 का बनाते हैं तो हम 3 सेक्टर लेते हैं, उसके बाद D0, D1, D2 और D3 का एंड गेट लगा के आखिर में और से कनेक्ट करते हैं. जिस तरह से डायग्राम में जो दो सेलेक्टर्स कनेक्ट हुए हैं इनके साथ एंड गेट्स के साथ, तो अगर जब हम तीसरा सेलेक्टर लेंगे 8 का बनाने के लिए, तो जब वेव फॉर्म्स में हम जब उसको आउटपुट दे रहे होंगे तो वो बार बार ये 4 ही सिर्फ रहेंगे, D0, D1 सेलेक्टर्स में एडिशन होंगे. अगर आप सेक्शन लाइंस 3 कर देती हैं तो हमारे पास जो है फिर 8 तक इनपुट हो सकती है, D0, D1, D2, D4, D5, D6, D7 तक हो सकते हैं. राइट, सो ऐसा मुमकिन है कि ऐसा भी मुमकिन है कि कोई अगर D6, D7 को इस्तेमाल नहीं कर रहा या D5 को इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाकी को इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो एड्रेसेस भी वहीं तक के जनरेट होंगे, D6 और D7 के एड्रेस जनरेट नहीं होंगे. ऐसा हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ 6 ही इनपुट लाइन्स है लेकिन 3 बिट की मदद से 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं आखिर के 2 के एड्रेसेस कभी दूंगा ही नहीं इनपुट के ऊपर. राइट जी, कंटिन्यू करिए अपने क्वेश्चन को, क्या कहनी थी आप आगे. जिस तरीके से आपने यहाँ पे वेव फॉर्म में जिस तरह से लिखा हुआ है कि जब नीचे y की वैल्यू जो है वो D0, D1, D2, D3 फिर D0 दोबारा स्टार्ट है. यस, बिकॉज हमारे पास यहाँ एड्रेसेस कुछ इस तरह के थे, मैंने यही बात यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की थी. ये एड्रेसेस मेरे पास जो है ना वो बड़े सीक्वेंशियल अंदाज में बने हुए हैं, 0 का एड्रेस है, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर वापस 0, 1, 2, 3. तो ये तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एड्रेस पहले कोई लिखा हुआ है बाद में कोई लिखा हुआ है, तो जो एड्रेस लिखा होगा उसकी पर्टिकुलर वेव फॉर्म का जो भी वैल्यू है, वहाँ वैल्यू 0 है या 1 है, वो बस आउटपुट के ऊपर आ जाया करेगी. सो हमारे पास 3 हो या 4 हो, हमने सिर्फ एड्रेस की वैल्यू देखनी है. यहाँ पे सीक्वेंस में है, हो सकता है सीक्वेंस में ना हो हमारे पास ये इनपुट्स. तो सर मैं 8 का ही पूछ रही हूँ, मुझे 8 की समझ नहीं आ रही, आपके एड्रेसेस की बात मुझे समझ आई है, लेकिन जब अगर हम 3 सिलेक्टेड इनपुट लेंगे तो उसका किस तरीके से हम करेंगे उसमें, फिर देखें ना अब जी कहिए, कंटिन्यू करें, मुझे इसी की नहीं आ रही, आप ये मुझे बता दें. ऑलराइट, सो हमारे पास वी कैन सी के हमारे पास के S1 और S0 है ना, अब एक तीसरी लाइन और आ जाएगी, मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सो दैट कुछ बात क्लियर हो जाए हमारे पास. अब मेरे पास रिमेम्बर और मैं सीक्वेंस में बना लेता हूँ ताकि जो है वो काम आसान रहे. अब मेरे पास एक और लाइन बनेगी और वो मैं बना लेता हूँ रेड कलर से, और वो क्या होगी, वो क्या हो सकते हैं, मैं उसका नाम S2 सॉरी
मैं उसका नाम जो है वो S2 दे सकता हूँ. और वो क्या होगी अगर मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बनाऊँ तो वो क्या होते हैं, 4 zeros होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो 4 ones होंगे. राइट, अब ये एड्रेस जो है वो 3 bit के जो है वो शुमार किए जा सकते हैं. राइट, अब एड्रेस क्या हो गया, 000 तो D0 सेलेक्ट हो जाएगी, 001 D2 सेलेक्ट हो जाएगी, 010 D2 D3 सेलेक्ट हो जाएगी. और यहाँ पे अब कोई एक और चौथी लाइन भी हमें अब बनानी पड़ेगी. वो चौथी लाइन मुझे क्या बताएगी, ऑलराइट सो आई नीड, वो चौथी लाइन मुझे यानी यहाँ पे D0, D1, D2 और D3 के अलावा अब यहाँ पे एक और चौथी लाइन होगी D4, D5, D6, D7 और D8. राइट, सो अब मेरे पास जो है वो ये सिर्फ सिलेक्शन इनपुट्स नहीं होंगे बल्कि उसके अब मैं ये तीनों को मिला के आउटपुट देखना होगा. इस वक्त तो D0, D1, D2, D3, अब D4, D5, D6 और D7 यहाँ पे आउटपुट के ऊपर जाते हैं. राइट, होपफुली आप शायद ऐसे ही कुछ पूछ रही थी. जी यही मैं पूछ रही थी. ठीक है, अब और कोई बात तो कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, रिकॉर्ड करने का मैंने किसको, सामा को कहा था. सामा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को? यस सर. ऑलराइट, गुड. जी कोई क्वेश्चन कर रहा था? ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर. सो हियर वी हैव अ सर्किट जो आप फिजा कह रही थी. ये हमारे पास 8:2:1 का इवन मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम भी बनी हुई है और ये उसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है कि जब 000 का एड्रेस होगा तो I0 आउटपुट के ऊपर चला जाएगा, जब 010 होगा तो I1 चला जाएगा, देन I2, I3, I4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. हमारे पास किस तरह से जो है वो चीजें जो है वो काम करेंगी. अच्छा, अब ये मल्टीप्लेक्सर है बड़े काम की चीज ना, यानी हमने देखे थे यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते ही इस वजह से थे कि मैं इन गेट्स की मदद से किसी भी गेट का काम जो है इससे ले लेता था. यानी मैं बस सिर्फ यूनिवर्सल गेट्स और कोई गेट्स ना हो तो वी हैव सीन कि हम जो है वो एंड गेट और गेट और नॉट गेट जो तीन बेसिक गेट्स हैं वो गेट्स बना सकते थे. तीन बेसिक गेट्स का मतलब मैं किसी भी किस्म के गेट्स बना सकता था. किसी भी किस्म के गेट्स का मतलब है मैं किसी भी किस्म का डिजिटल सर्किट इवन यूनिवर्सल गेट यानी नैंड या नॉट गेट से बना सकता था. और फिर हम उससे स्टॉप एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लेट्स अज्यूम और लेट्स हैव अ सिनेरियो कि हम लैब में मौजूद हैं और लैब में हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लेक्सर्स की ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स मौजूद हैं या मल्टीप्लेक्सर्स मौजूद हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है. सो इवन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स वी कुड इम्प्लीमेंट अ स्टॉप एक्सप्रेशन, अ पॉज एक्सप्रेशन एज वेल. और हम देखते हैं कितने सिंपल हो जाता है हमारे मल्टीप्लेक्सर से ये बात इंप्लीमेंट करना. लेट्स से मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है जो कि मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. एक आप सब इसको देख के बड़ी आसानी से पहचान रहे होंगे कि ये एक स्टैंडर्ड स्टॉप एक्सप्रेशन है. और स्टैंडर्ड स्टॉप एक्सप्रेशन अगर ये है सो वी कैन सी कि हमारे पास जो है वो किन जगह के ऊपर जो है वो रिजल्ट में 0 आने वाला है और किन किन पोजिशन के ऊपर जो है वो रिजल्ट में 1 आने वाला है. सो फॉर इंस्टेंस 1 कहाँ कहाँ पे आएगा, 000 के ऊपर एक 1 आएगा. राइट, दूसरा 1 कहाँ पे आएगा मेरे पास, 100 के ऊपर एक 1 आएगा और तीसरा 1 आएगा मेरे पास 010. राइट, तो इन तीन कॉम्बिनेशंस के ऊपर रिजल्ट में आउटपुट के ऊपर 1 होगा मेरे पास. नाउ ये मुझे पता है कि इन तीन आउटपुट्स के ऊपर 1 चाहिए, यानी 0 के ऊपर. और 100 का कोड होता है ये एक्चुअली 4 का कोड होता है और 010 ये किसका कोड होता है, ये 2 का कोड होता है. सो इन जगह के ऊपर यानी 0 के कोड के ऊपर 1 आएगा और 4 के कोड के ऊपर 1 आएगा मेरे पास. और आई कैन राइट कि 0 है ये और 4 का कोड है और ये किसका कोड है जी, 010
ये 2 का कोड है, 2 का. सो 0 4 और 2 पे मुझे आउटपुट पे 1 चाहिए, बाकी जगह के ऊपर आउटपुट पे इसका मतलब है 0 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सिंपल बाइनरी आउटपुट्स होते हैं. सो जहां जो है वो 1 नहीं आएगा इसका मतलब है वहां जो है मेरे पास 0 आएगा. राइट, यहां तक बात क्लियर है? यस सर. नाउ लेट्स सी हम इसको मल्टीप्लेक्सर से कैसे जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं. ये मैंने इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए एक 8:1 का मल्टीप्लेक्सर लिया. Why I have selected 8:1 मल्टीप्लेक्सर? Because मेरे पास जो है वो 3 इनपुट वेरिएबल्स मौजूद थे और 3 इनपुट वेरिएबल्स एक्चुअली जो होंगी वो मेरी 3 सिलेक्शन लाइंस जो है वो 3 इनपुट वेरिएबल्स के तौर पे काम करेंगी और इनपुट्स को मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स को मैं फिक्स कर दूंगा. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी ये बात, हमें आउटपुट के ऊपर 1 कहां कहां चाहिए था. राइट, हमें आउटपुट के ऊपर 1 चाहिए था ऑलराइट. सो जब वो एक्सप्रेशन जरा डिफरेंट लिखी हुई थी और हमने जो है वो नीचे सॉल्यूशन डिफरेंट एक्सप्रेशन को है, बस वो मेरे पास वो बोर्ड नहीं है वरना पूरा मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा. सो ये मैं बना लेता हूँ बोर्ड शेयर करके ना, अच्छा है वो, थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की. और जी बिलाल हदीद ने हाथ रेस किया, बिलाल कहिए क्या सवाल है आपका. सर जिसे हम लोग पहले इसके साथ डी नॉट डी जीरो डी वन डी टू की ऐड कर रहे थे तो इस इक्वेशन में नहीं ऐड कर रहे हैं. नहीं ये इक्वेशन में ऐड नहीं कर रहे. अब बिलाल हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, ये अब हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइन नहीं कर रहे, तो हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने के लिए उसके एक्सप्रेशन बनाई थी, उसको हमने सर्किट इंप्लीमेंट किया था. अब मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हो चुका है हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि मुझे कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है और वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की मैंने कहा कि एक्सप्रेशन आपके पास जो है ना वो ये है, तो इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट अब हमें करना है. हम ये कह रहे हैं एक सर्किट मैंने बनाया, फॉर इंस्टेंस मुझे आपको एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, उस सिनेरियो के मुताबिक मैं उसका ट्रुथ टेबल और उसकी एक्सप्रेशन बना लिए. अब इस एक्सप्रेशन को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, यानी वो जो फाइनल स्टेप होता था ना हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन में, मेरे पास फाइनली एक एक्सप्रेशन आ जाती थी और उसको मैं सर्किट इम्प्लीमेंट करता था. तो ये एक एक्सप्रेशन है और इसका सर्किट इम्प्लीमेंट करना है. अब हम बजाय एंड और गेट्स से इम्प्लीमेंट करने के हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं कि ये सॉप एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लेक्सर से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. इवन वी वुड सी कि हम जो है वो किसी पॉज एक्सप्रेशन को भी या स्टैंडर्ड पॉज एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लेक्सर से, स्टैंडर्ड सॉप या स्टैंडर्ड पॉज को मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसकी तरफ जरा जाते हैं. हमने ये बात यहाँ पे कर ली थी कि हमें किन किन कोड्स के ऊपर चाहिए. फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 0 के ऊपर चाहिए मुझे, 4 के ऊपर और 2 के ऊपर 1 चाहिए. राइट, सो लेट अस ड्रॉ दिस थिंग सो दैट आपके पास जो है वो बात क्लियर हो जाए. मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो अपना खोल के कोशिश करता हूँ, शायद मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकूँ. सर आप नया सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे जिसमें 2 मिनट रिमेनिंग रहेंगे, बस जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा तो मैंने स्टार्ट ही कर लूं ताकि आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड बोर्ड पे फिर वो ना हो जाए. ठीक है जी, ठीक है ठीक है, मैंने सेशन स्टार्ट कर लिया. सो ऑल ऑफ यू आप भी जो है वो उसको रीजॉइन कर लीजिएगा.